जॉन विक चैप्टर 3 पैराबेलम डायरेक्टेड बाय चैड स्टैथल्सकी स्टारिंग कैन्यू रेविस हेली बेरी लॉरेंस फिशरबर्न आयशा केट। जो इसका रनिंग टाइम है 131 मिनट यानी 2 घंटे लगभग 11 मिनट के नज़दीक ये जाती है मूवी। 2014 में जॉन विक फर्स्ट आती है, 2017 में जॉन विक चैप्टर 2 आता है, 2017 में सेकेंड पार्ट आता है, उसमें जॉन विक एक रूल तोड़ देता है इस हाई टेबल का, जो इन असैसिन ये जो कातिल होते हैं इनकी एक इनका एक इंस्टीट्यूट होता है, उनका एक रूल ये तोड़ देता है कि भाई किसी भी कॉन्टिनेंटल में कोई भी एक कॉन्टिनेंटल मिलते कि एक बिल्डिंग होती है उसमें सारे के सारे जो असैसिन होते हैं वहीं मिलते हैं, रहते हैं, आराम करते हैं। जो भी उनको असाइनमेंट दिया जाता है वो कहीं उनको जाना होता है कोई होटल की, एक तरीके से होटल होता है इन कातिलों के लिए, तो इसको कॉन्टिनेंटल बोलते हैं वो। तो इस कॉन्टिनेंटल में क्या होता है कि जितने भी कातिल होते हैं वो वहाँ पे रहते हैं, ठहरते हैं, फिर अपना काम करने निकल जाते हैं ऐसे यूजुअल जैसे वो ऑफिस वर्क पे आते हैं। तो इस कॉन्टिनेंटल में एक रूल बनाया हुआ होता है कि कोई भी असैसिन किसी को दूसरे को इसमें नहीं मारेगा, बाहर मार सकता है अगर कुछ भी लड़ाई हो तो वो बाहर पूरी कर सकता है, लेकिन कॉन्टिनेंटल के अंदर किसी को भी नहीं मार सकते। तो 2017 में आई चैप्टर 2 में जॉन विक के चैप्टर 2 में जॉन विक क्या करता है, एक रूल तोड़ देता है, वो मार देता है किसी को चैप्टर 2 के अंदर। लास्ट में ही ये सीन होता है जब जॉन विक चैप्टर 3 स्टार्ट होती है पैराबेलम, तो इसकी शुरुआत भी सेम वहीं से होती है जहां एंडिंग होती है चैप्टर 2 की। मतलब कि चैप्टर 2 में जब उसे एक घंटे का टाइम दिया गया था कि भी एक घंटे में तुझे जहां जाना है वहां चला जा, एक घंटे बाद तेरे ऊपर जो बाउंड्री है जॉन विक के ऊपर जो बाउंड्री वो स्टार्ट हो जाएगी। और इसके बाद चैप्टर 3 स्टार्ट होता है वैसे ही जहां चैप्टर 2 खत्म हो रहा होता है, अपने डॉग के साथ भागते हुए। चैप्टर 3 में भी अपने डॉग के साथ भागते हुए दिखाते हैं। स्टार्टिंग में वो एक लाइब्रेरी में जा रहा होता है, लाइब्रेरी में उसे कुछ ऐसे इक्विपमेंट अपने जैसे कि एक की लेना था, एक ऐसा सिंबल भी लेना था जिससे वो कहीं जा सके, अपने आप को इस एक्सकम्युनिकेटर से निकाल सके। एक्सकम्युनिकेटर का मतलब ये है कि उसे एक घंटे बाद एक्सकम्युनिकेटर साबित कर दिया जाता है। एक्सकम्युनिकेटर का मतलब बोले तो कि जो इन असैसिन की जो एक इंस्टीट्यूट होता है उनका जो एक्ट होता है, उनका एक अपना एक धर्म समझ लो कि उस धर्म के अकॉर्डिंग कहते हैं कि उस एक्ट के अकॉर्डिंग कहते हैं कि भाई तू अब बाहर चला जा अब, क्योंकि तूने एक रूल तोड़ दिया। अपने रूल के बहुत पक्के होते हैं सभी के सभी। अच्छी चीज़ है कभी मतलब कि ऐसे रूल इस मूवी में आप स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करोगे, फन सेकंड और ये जो थर्ड की जो आई है इनमें सभी के सभी रूल के इतने पक्के होते हैं, मतलब इस रूल से बढ़ के लिए इनके कुछ नहीं होता, रूल से ऊपर कुछ नहीं है इनका। तो जैसे ही रूल तोड़ते हैं इनको कम्युनिकेटर घोषित कर दिया जाता है। फिर इसके बाद एक घंटा इसको दिया जाता है कि जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हैं। जैसे ही एक घंटा ख़त्म होता है, उस एक घंटे ख़त्म होने के बाद इस मूवी में स्टार्ट होती है फाइट यानी एक्शन सीन। और वो एक्शन सीन मतलब कि उस एक घंटे का मतलब समझ लो आप, जो मूवी में एक घंटा ख़त्म हो रहा होता है जो जॉन विक को दिया होता है, वो इस मूवी में सिर्फ 5 से 10 मिनट का होता है, 5 से 10 मिनट भी नहीं होता, बहुत कम होता है, 5 मिनट ही शायद मैं कह सकता हूँ। इस 5 मिनट के बाद जो इस मूवी में एक्शन स्टार्ट होते हैं वो इतने खतरनाक होते हैं, मतलब इतने वॉयलेंट हैं जो फर्स्ट और सेकेंड को भी पार कर जाते हैं। आप जो एक्शन सोच सकते हो, जो आप सोच सकते हो कि भी इसके इसमें कौन कौन से एक्शन है, कि घोड़े के ऊपर एक्शन है, बाइक के ऊपर एक्शन सीन किया गया है, हाथों से लड़ते हुए एक एक्शन सीन है, तलवारों से लड़ते हुए, और गन से तो पहले हम देख ही चुके थे एज यूजुअल, वो तो इसी में है ही है। और इतने खतरनाक एक्शन सीन है कि मतलब आप एक मिनट के लिए भी पर्दे से अपनी आँखें हटाने के लिए भी नहीं सोचोगे। ये मूवी अभी फ़िलहाल इंग्लिश में है, हिंदी भी इसका वर्जन नहीं देखा मैंने अभी तक, मतलब है ही नहीं, लगी हुई नहीं है यहाँ पर। तो अगर किसी को भी इंग्लिश में अगर प्रॉब्लम होती है कि भाई हाँ मुझे इंग्लिश समझ नहीं आती, देखो इसके अंदर बात कम एक्शन ज़्यादा है, तो आप उन भावनाओं को भी समझ लोगे कि हाँ क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली आप उस चीज़ को समझ जाओगे। फिर एंट्री होती है एडजुडिकेटर की, जिसका किरदार निभाया है आयशा केट ने, बहुत उम्दा लेवल का, मतलब उनके चेहरे के हाव भाव, जो उनका एक्शन है, जो बात करने का ढंग है, इतना सीरियस, मतलब आप देखते रह जाओगे यार किस लेवल की मूवी गई है। बहुत उम्दा लेवल की एक्टिंग, जो मैं कहूँ कि कैन्यू रेविस की जो अब तक गई है, मैट्रिक्स से स्टार्ट कर लो, जॉन विक फर्स्ट में, जॉन विक सेकंड में, जॉन विक अब ये चैप्टर 3 आए, इसमें भी उम्दा लेवल की एक्टिंग की है उन्होंने, मतलब इतना सीरियस किरदार, इतना मतलब आप ये मूवी देखोगे ना आप खुद समझ जाओगे। जॉन विक के ऊपर जब बाउंटी स्टार्ट होती है, इनके ऊपर जो $14 मिलियन का एक इनाम रखा जाता है कि कोई भी असैसिन अगर जॉन विक को मारेगा
यानी जॉन विक को मारेगा तो उसे 14 मिलियन बाउंटी दी जाएगी, और ये 14 मिलियन धीरे धीरे बढ़ती है टाइम बीतने के साथ, थोड़ी देर बाद वो 15 मिलियन हो जाती है। तो लोग जिनके भी जितने भी असैसिन होते हैं इस मूवी में, तो हर जगह खाना पकाने वाला, कोई झोपड़ी में रहने वाला, भिखारी तक, हर कोई इसमें असैसिन है। मतलब वो इस कदर हाथ धो के जॉन विक के पीछे पड़ जाता है, बस उनको वो रुपए दिखने होते हैं। और एक चीज़ ये है कि हर किसी को पता होता है कि जॉन विक के ऊपर बाउंटी स्टार्ट होने वाली है, लेकिन 1 घंटे से पहले कोई जॉन विक को हाथ नहीं लगाता है। मतलब कमाल हो यार, इतने मतलब रूल के पाबंद होते हैं, लेकिन जैसे ही अपना 1 घंटा ख़त्म फिर स्टार्ट होती है वहाँ पे। पर जब यहाँ पर ये चीज़ें लड़ाई चल रही होती है इस साइड, फिर एडजुडिकेटर आती है, जो जिन्होंने जॉन विक की चैप्टर 2 में मदद की थी उसको भगाने में, उनको सजा देने के लिए वो आती है वहाँ पे, और उनको 7 दिन का मौका देती है। फिर उसके बाद 7 दिन के बाद उनको उस परिणाम जो उन्होंने किया है उसका रिजल्ट उन्हें भुगतना होता है। और अगर अब बात करें कॉमेडी सीन की, कॉमेडी सीन तो नहीं कहेंगे, लेकिन इस रूल के अकॉर्डिंग ही जो इसमें इतना सीरियस बन है उससे ही थोड़ा सा एक हंसी सी आती है। मतलब हंसी किस बात पे? अब कॉन्टिनेंटल में, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि कोई भी कॉन्टिनेंटल में क्या होगा, कोई भी किसी को मारेगा नहीं। अब मारेगा नहीं तो एक सीन होता है जिसके अंदर जो जॉन विक होता है वो लड़ रहा होता है किसी असैसिन से। अब वहां पे लड़ते लड़ते वो घायल इस कदर होता है कि अब मरने वाला ही होता है, और वो सीढ़ियों के नजदीक जाके गिरता है, बाइक पे होता है, बाइक से सीढ़ियों के नजदीक जाके गिरता है। सीढ़ियां जो होती हैं वो कॉन्टिनेंटल की होती हैं, और जैसे ही वो तलवार, जो असैसिन होता है, असैसिन यानी कातिल, जैसे ही वो कातिल आता है उसको मारने जॉन विक को, वो अपना हाथ सीढ़ियों पर रख देता है। मतलब कि उस सीढ़ी पे टच कर देना ही, मतलब अब आप उसको नहीं मार सकते, कमाल की चीज है। फिर उसके बाद वो दो जॉन विक और जो लड़ रहा है, जो उसको मारने आया है, वो दोनों एक साथ कॉन्टिनेंटल में जाते हैं, एक सोफे पे बैठते हैं, और फिर जो बात होती है, जो कातिल बोलते हैं कि जॉन विक आई एम योर ह्यूज फैन, मैं मतलब आप मेरे आइडल हो, वो सीन देख के मुंह खुला रह गया यार, कमाल हो यार, क्या सीरियस है एक तरफ से, और एक तरफ आप क्या दिखाते हो इंसान को, कमाल। भावनाओं का पूरा अच्छे से यहाँ पे ख्याल रखा गया, किसी भी इंसान को अपनी भावनाएं व्यक्त करने का यहाँ पे मौका दिया गया। एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे कि मैंने पढ़ा है, काफ़ी चीज़ों में मैंने पढ़ चुका हूँ कि जॉन विक ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है एवेंजर इन्फिनिटी एवेंजर एंड गेम का अब तक, क्योंकि इसको बहुत पसंद किया गया है। और देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश वर्जन में रिलीज होने के बावजूद भी इसने, मतलब कमाल है कि एवेंजर एंड गेम का भी रिकॉर्ड कमाई के मामले में तोड़ रही है। डायरेक्टर हैं चैड स्टेथल्सकी ने जॉन विक चैप्टर 4 की भी अनाउंसमेंट कर दी है, जो मई में, 2021 के मई में रिलीज हो जाएगी। अब जैसे जॉन विक 3 का इंतज़ार था, वैसे ही अब जॉन विक 4 का, चैप्टर 4 का भी इंतज़ार है, बहुत उम्दा लेवल की, आपको कहीं से भी कोई बोर नहीं करेगी ये मूवी। मैं इस मूवी को देना चाहूँगा 9 out of 10 स्टार। अगर आप लोगों ने ये मूवी देखी है और कैसी लगी है, अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखो, इंग्लिश में भी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इंजॉय करोगे, आपका मतलब हाथ ऐसे, अगर चेयर पे बैठे हो वहाँ पे, आप चेयर पे बैठे बैठे आपके हाथ ऐसे रह जाएंगे और आंखें स्क्रीन के ऊपर गड़ी रह जाएंगी, आप हटाने का भी मन नहीं करोगे, इतना उम्दा लेवल का एक्शन वहाँ पे किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है, इतना अच्छा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर नहीं आती है तो आप जाके इंजॉय करोगे इस मूवी को, पैसा वसूल जिसे कहते हैं। अगर जिन्होंने देख लिया तो आप अपने, आपको कैसी लगी आप अपने विचार अपने कॉमेंट में लिख के बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।